राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में जारी है भारी बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 3 जिलों में आज जारी किया है रेड अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। बीते 3 दिनों से राजस्थान के अलग अलग जिलों में हो रही तेज बारिश से प्रदेश के 5 बड़े बांध जो है ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में फसलें चौपट हो गई है। आज लगातार बांसवाड़ा में पिछले 24 घंटों में 7 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यहां बारिश के चलते हुए हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। इधर मौसम विभाग ने आज 6 जिलों के लिए भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डूंगरपुर का बाणेश जो वेणेश्वर धाम माहे डैम है उसके गेट खुलने के बाद टापू बन गया है। वही यहाँ मौजूद 50 लोग जो है रास्ता बंद होने से फंस गए हैं। वही बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम के कारण बीते 24 घंटों में 29 जिलों में राजस्थान में बारिश हुई। उनमें 8 जिले ऐसे जहाँ पर 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश हुई है, ऐसे ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। वही तेज बारिश के कारण नदियां और बांधों में जलस्तर बढ़ने से माही बजाज और इसके अलावा जवाई कालीसिंह और सोम कमला और कोटा बैरेज के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अलवर, बांसवाड़ा, बारा और भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू और जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक, उदयपुर और बीकानेर में जोरदार बारिश हुई है। वहीं उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़, नागौर, झालावाड़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में 50 से लेकर 95 mm बारिश हुई है। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण माही और सोम कमला जो बांध जो है उस बांध का जो है माही बांध का और सोम कमला नदी का जलस्तर यहाँ पर बढ़ गया है। बारिश के कारण माही और जो सोम कमला नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है। इससे इन बांधों पर बने जो यहाँ पर बांधों में पानी की आवक जो है बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आज माही बजाज के 16 गेट खोलकर सोम कमला और अंबा बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की है। इधर झालावाड़ में एमपी में हो रही भारी बारिश के कारण कालीसिंध नदी का पानी भी तेज से आना शुरू हो गया, जिसके बाद कालीसिंध बांध के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा जवाई बांध के भी 2 गेट खोलकर और कोटा बैरेज का 1 गेट खोलकर पानी की निकासी जो है लगातार की जा रही है। वही बांसवाड़ा में माई डैम के सभी 16 गेट खोलने के बाद 12 घंटे के बाद डूंगरपुर के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेणेश्वर धाम जो है टापू बन गया है। वेणेश्वर धाम जाने वाले रास्तों पर बने विलाई, बांसवाड़ा पुल और यहाँ पर समला पुल जो है पानी में बह रहा है, इनके ऊपर पानी बह रहा है। वही धाम पर मंदिर के पुजारी, पुलिसकर्मी और स्थानीय व्यापारी समेत 50 लोग जो है मौजूद है। वही मौसम विभाग के जयपुर के निदेशक जो है राधेश्याम शर्मा, उन्होंने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़कर अब वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया है। ये सिस्टम जो है वर्तमान में एमपी की सीमा पर एक्टिव है। वहीं पश्चिमी हवाएं भी अभी कमजोर हो गई है, जिसके कारण मौसम में लगातार जो है इसके कारण जो है मौसम लगातार बदल रहा है। ये सिस्टम जो है लगातार बंगाल की खाड़ी से आगे निकलकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ होते हुए एमपी तक आ गया है। वह आगे बढ़कर गुजरात की सीमा तक आने की संभावना है। ये सिस्टम इतना प्रभावशाली है कि इसके असर से एमपी और राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी से और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गुजरात के जिलों में भारी बारिश इसके कारण हो रही है। वही दक्षिण राजस्थान के जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण यहाँ दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहने लगा है। कल डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में दिन का अधिकतम तापमान 26 से 28 के बीच रहा। वही जोधपुर, चूरू और जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में दिन का पारा जो है 2 से 4 डिग्री गिरा है। वही सिस्टम के कारण आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट है। इसी तरह चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर में भी सिस्टम के कारण भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही कल की बात करें तो कल भी कई इलाकों में तेज चेतावनी बारिश की दी गई है। कल जो है पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, सिरोही और बाड़मेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वही जोधपुर और जैसलमेर के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही परसों के लिए भी जोधपुर, जैसलमेर और पाली के लिए येलो और जैसलमेर के लिए भी यहाँ पर हल्की बारिश का चेतावनी दी गई है। वही सिरोही और जालौर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। लगातार बारिश से राजस्थान के इलाकों में लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।